जो इंसान के ऊपर जो भी है ना, पाकिस्तानी है जो भी मुल्क है, जिन इन पे भारा आया तो वो इंसान को अल्लाह की तरफ से दूर होने की वजह से ये आए हैं। अच्छा, हम किसी के जुम्मे नहीं लगाएंगे, यानी कि दीन से दूरी का, दीन के दूरी से। ये 30 रुपए, ये देखो, दो नान और ये दो टिक्के शामी 60 रुपए में दे रहा हूँ, 60 रुपए में फिर भी कोई नहीं ले रहा, क्योंकि कह रहे हैं ये बहुत महंगे। ये हमारी हवाई रोजी है जी, लागी ना लगी तो यकीन करो तो रंगा करो भी 500 बच्चा को लेके जाना पैंदा। तो महंगा हुआ, क्या कहेंगे आप? मैं क्या कह सकता हूँ, तो यानी कि पुआना तुसी फिर 50 रुपए दिए। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान स्पेशल के साथ मैं हूँ आपका होस्ट सैदर अली। नाज़रीन, जैसा कि आप सबके इलम में है, पेट्रोल 30 रुपये महंगा कर दिया गया और ये तोहफ़ा रात को 10 बजे हुकूमत की तरफ से आवाम को दिया गया है। आइए चलते हैं, हमारे साथ एक बुज़ुर्ग शहरी मौजूद हैं जो रिक्शा चलाते हैं, इनसे बात करते हैं कि पेट्रोल महंगा हुआ है तो इनका क्या कहना है, इनके क्या तहफ़ात हैं। आइए चलते हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा, पेट्रोल महंगा हुआ है तो क्या कहना चाहेंगे? अच्छा अच्छा, एक दाम है हुकूमत का? नहीं, हुकूमत के जुम्मे तो नहीं हम लगाते जी, हम मुसलमान हैं, सच बोलना चाहिए, सच में ईमानदारी जो वो साबित होती है, सच में बरकत है। हाँ, बरकत भी है, साबित भी होती है इंशाल्लाह। जी जी। ये जो इंसान के ऊपर जो भी है ना, पाकिस्तानी है जो भी मुल्क है, जिन इन पे भारा आया तो वो इंसान को अल्लाह की तरफ से दूर होने की वजह से ये आए हैं। अच्छा, हम किसी के जुम्मे नहीं लगाए, यानी कि दीन से दूरी का, दीन के दूरी से। हाँ जी, दीन से दूरी हुई है तो ये हमारे ऊपर भारा वजन पड़ा है। तेरा बोझ तू ही उठा रहा है ना, मैं तो नहीं उठा रहा, मेरा बोझ हाँ कोई नहीं उठा रहा। तुम्हें क्या पता है कि मैं कितना परेशान हूँ? बिल्कुल ऐसे ही। बादशाह को पता है? नहीं पता। नहीं, हम तो परेशान है, लेकिन ये नहीं ना कह सकते कि ये इसने कर दिया, उसने कर दिया, वो कर दिया, ये ऐसे ही है। ये अल्लाह पाक का निज़ाम है, अल्लाह पाक की हुकूमत है। तो ये किस तरह ठीक होगा ये भी बताते चले। ये ईमान पे आएंगे, नमाजें पढ़ेंगे, कुरान पाक पढ़ेंगे, उस पर अमल करेंगे, दुआ करेंगे खुदा से, अल्लाह से मांगेंगे तो फिर है। ऐसे जो किसी का 10 रुपया 20 रुपया 5 लाख 20 रुपया खो के ले जा रहे हैं, ये ईमानदारी तो नहीं है ना। अच्छा, ये तो चोरी धक्का चोरी है ना। सही। अपनी मेहनत, मैं अल्हम्दुलिल्लाह 55-60 साल का हो चुका हूँ, मैं अपनी मेहनत करके खा रहा हूँ। यानी कि 60 साल आपको रिक्शा चलाते हुए? नहीं, इतने नहीं हुए बेटे, ये तो झूठ की बात है, रिक्शा चलाते 15-20 साल हुए हैं। सही। पहले और भी काम करते थे। रोजाना का कितना कमा लेते हैं? ये हमारी हवाई रोजी है जी। लागी तो यकीन करो तो रंगा करो भी 500 बच्चा को लेके जाना पैंता है। क्या बात। हाँ जी, हाँ जी, लागे जावे तो 2000 दी भी, 5000 दी भी, मालक दिजा देंदा ना देवे तो पेट्रोल भी कोलो बार के जाना पैंता है। सही। अच्छा, एक और मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा कि देखे ना, हुकूमत कोई भी नहीं ठीक, तो लेकिन हुकूमत तो किसी ने करनी है ना। अब कोई बंदा ऐसा बताएं कि वो हुकूमत करे और इस्लामी हुकूमत करे और ये सारी चीज़ें ठीक भी करे। ये भी मैं यही कहूँगा कि मेरा ईमान ये है कि अल्लाह की ज़ात ही उसे भेजेगी जिसने भी आना है। आपकी नज़र में अभी तक कोई नहीं है? कोई भी नहीं। अच्छा, ये जो इस्लामाबाद जाते हैं, लॉन्ग मार्च हो रहा है, धरने हो रहे हैं, तो ये कौन है? नहीं, इनको भी मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन ये ऐसे लाजम कहूँगा कि ये जो नुकसान करते हैं एक दूसरे का, अपना भी करते हैं और दूसरों का भी करते हैं। नुकसान तो मुल्क है, मुल्क ये भी दूसरों में मुल्क ही आ गया ना यार। बिल्कुल। अपना भी नुकसान करते, जो जाएगा बच्चों की मजदूरी गई, बिल्कुल उधर जाके नुकसान हुआ, गोली लग गई, जो भी हो गया, मर गया, क्या बड़ा बिल्कुल नुकसान है ना। हुकूमत को ये सिक्योरिटी देनी पड़ती है, वो भी खर्चा हमारे ऊपर ही है ना, आपके ऊपर है। बिल्कुल। कौन कौन देता है? बादशाह देता है? नवाज शरीफ ने दिया? शहबाज शरीफ ने दिया? इमरान खान ने दिया? नहीं, ये अपनी कुर्सी के होते हैं। बात है ना, जो हम आवाम टैक्स पे करती है तो उसी के पैसों से लॉन्ग मार्च हो रहा है। जी जी। इस हवाले से क्या हमारे, यही है ना, अभी जुल्म ही है ना। तू तगड़ा है, तू कर लेगा, मैं गरीब हूँ। मैं गरीब क्या करेगा? गरीब तो कुछ नहीं कर सकता, भूखा रहेगा। नहीं नहीं, खुदा भूखा किसी को नहीं सुलाता। सही। ये हमारा ईमान है, हम कोई ऐसी रात नहीं आई जिस रात हम भूखे सोए अपनी होश में। क्या बात है। नाज़रीन, मेरे साथ एक और भाई मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, पेट्रोल महंगा हुआ 30 रुपये, क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, ये तो गरीब ही मरेगा ना, गरीब मरेगा। अच्छा देखे ना, जो पहले ये अपोजिशन में थी नून लीग, तब कहती थी जुल्म है, अब यही हुकूमत में आई है तो ये भी वही काम कर रही है जो पहले हुकूमत करती थी। मसला ये कि ये लोग सब जो है ना वो सही हैं, हम लोग गलत हैं। अच्छा, हम गलत हैं। हाँ। अच्छा देखें, हुकूमत कोई भी नहीं ठीक, यानी कि जो कहते हैं नून लीग भी आती है वो भी महंगाई करती है, पीडीआई आती है वो भी। हाँ, तो किसको आना चाहिए? जिसका भी जलसा होगा, हम बड़ी बात नहीं है, सिर्फ एक छोटी सी बात करता हूँ कि यहाँ पे जितने भी लोग खड़े हैं ना, सिर्फ एक प्लेट बिरयानी की हो ना तो इसके ऊपर राजी हो जाते हैं। लेकिन एक और बात देखी जा रही है ना कि आवाम पेट्रोल डलवा रही है जी। और पेट्रोल पंप वाले अगर सस्ता हो तो बंद कर देते हैं,
अब महंगा हुआ है तो खुला हुआ है। मैं आपको बात बताता हूँ कि मैं शादरा से आया हूँ जी जी, ठीक है, मैं खुद किराए पे रहता हूँ। सही। मैं रोजाना 100 नान भेजता था। सही। अब 30 रुपए का नान टिक्की दे रहा हूँ, शामी टिक्की 20 रुपए की और 10 रुपए का नान दे रहा हूँ मैं। क्या बात है, यानी ठीक है। ये देखिए मेरे पास अभी मौजूद है ये 30 रुपए, ये देखो 2 नान और ये 2 टिक्कियां शामी 60 रुपए में दे रहा हूँ। 60 रुपए में फिर भी कोई नहीं ले रहा, क्योंकि कह रहे हैं ये बहुत महंगे है। ये भी महंगे है, यानी 30 रुपए में अगर आप खाना खा लेते हैं जी तो ये महंगी है। ये महंगी, क्या बात है जी नाज़रीन, ये इनका कहना है 30 रुपए में हम खाना खाते हैं महंगा है। ये एक और भाई मौजूद है, पेट्रोल डलवा के आए हैं आप? नहीं मैंने नहीं डलवाया। अच्छा, नहीं डलवाया? नहीं डलवाया। मैंने देखा आप पंप से आए हैं, तो पेट्रोल महंगा हुआ, क्या कहेंगे आप? मैं क्या कह सकता हूँ, तो यानी कि पुआना तुसी फिर बाजार पे दिए। हाँ जी जी नाजरीन, मेरे साथ यहाँ शहरी मौजूद थे, इनका यही कहना है कि पेट्रोल जितना मर्जी महंगा हो ये पुआना फिर बाजार पे दे। मेरे साथ एक रिक्शा ड्राइवर भी मौजूद थे, उनका ये कहना था कि ये हमारे आमाल का नतीजा है। ये भाई कुछ कहना चाह रहे हैं, ज़रा कैमरा मैन आगे आए थोड़ा सा, तुसी भी हेलो। हाँ जी भाई, 50 का भी डलवाए ना, टैंकी फुल हो जाता। टैंकी फुल हो यानी कि आपका दिन साफ रखना पड़ता, बाहर ना गिर जाए। ओ वाह। नाज़रीन मेरे साथ एक रिक्शा ड्राइवर भी मौजूद थे, उनका ये कहना कि हमारे आमाल का नतीजा ही है जो महंगाई हो रही है। इसी के साथ मुझे मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह।